वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम रॉबिन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल फॉरवर्ड टेक। तो दोस्तों आज बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि डीसी इन्वर्टर एयर कंडीशनर के पीसीबीज में इंडोर आउटडोर दोनों में आते हैं, ठीक है। और ये है जी चोपर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। और इसकी रिवाइंडिंग के बारे में आपको मुकम्मल तफसील के साथ आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि मुझे तो रिवाइंडिंग करनी नहीं आती, तो मैं बता रहा हूँ ना जी आपको, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये आप सीखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। और आइंदा जब भी चोपर ख़राब होगा तो पीसीबी जो है वो कभी भी आप उसको कचरे में नहीं फेंकेंगे, बल्कि इसको रिवाइंड करेंगे और इसको रिवाइंड करने के बाद उस पीसीबी को दोबारा से ज़िंदा कर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ और मुकम्मल तफसील के साथ आपको ये सारी डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, ठीक है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि आप नहीं कर सकेंगे? कर लेंगे आप, थोड़ा सा वीडियो को देखें और पूरी वीडियो देखें, क्योंकि इसमें तमाम पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और जब आप पूरे पॉइंट्स के साथ और पूरी वीडियो देखेंगे तो आप ये वाइंड करना सीख जाएंगे। तो इसमें वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन उसका मकसद ये है वीडियो बनाने का कि आप इसको अच्छे से सीख जाएं, क्योंकि ये मैंने इसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस, ज़्यादा हिसाब किताब नहीं बताया। इसमें क्या है कि आपने जब ये ख़राब हो जाता है, जल जाता है, तो इसको आपने दोबारा कॉपी करना है, ठीक है, और उस तरह उसको पेस्ट कर देना है, जैसे कॉपी पेस्ट का एक कंप्यूटर में या मोबाइल्स में ऑप्शन आता है, ठीक है, इसी तरह सेम इसी तरह आपने ये भी यूज़ करना है। तो दोस्तों जो चोपर है वो ट्रांसफार्मर ही की तरह एक चीज़ होती है, ठीक है, लेकिन इसमें जो चोपर में होता है डीसी टू डीसी सप्लाई ही दी जाती है, ठीक है। अगर आपने जो है वो डीसी से डीसी सप्लाई लेनी है तो आपको वो चोपर इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो इसके अलावा इसकी दो किस्में होती हैं, एक स्टेप अप चोपर होता है और एक स्टेप डाउन चोपर होता है। तो जितने भी डीसी इन्वर्टर्स हैं ज़्यादातर उनमें स्टेप डाउन चोपर ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो हम ज़्यादा बात उस पर ही करेंगे, ठीक है, और हमारा टॉपिक भी यही रहेगा कि आज स्टेप डाउन चोपर को आपने दोबारा रिपेयर कैसे करना है, ठीक है। तो आइए चलते हैं, आपको डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं मुकम्मल, तो उसके बारे में आपको बताते हैं कि ये होता किस दिखाई कैसे देता है और इसको रिपेयर कैसे करना है, ठीक है। तो देखें हमारे पास टेबल पे कुछ ये चोपर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, तो जितना बड़ा सिस्टम उतना बड़ा चोपर, ठीक है। तो ज़्यादातर जितने भी चोपर्स होते हैं, देखें ये छोटा है, ये इनडोर यूनिट में लगा होता है, ये देखें ये आउटडोर सप्लाई में ग्री के उसमें लगा होता है, ठीक है। ये जो है ये भी ये डॉलेंस का है, ठीक है, और ये ख़राब हो गया, आज इसके बारे में ही आपको मुकम्मल तफसील देंगे, ठीक है। इसके अलावा देखें ये शार्प का है, ठीक है, ये भी ख़राब हुआ है, लेकिन इसको हम बाद में आपको बताएंगे किसी और वीडियो में, लेकिन आज बात करेंगे जो डॉलेंस का जो चोपर है वो ख़राब हुआ है, तो इसके मुकम्मल आपको वाइंडिंग का तरीका बताएंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं, हम इसको हम खोलेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये अंदर से होता क्या था, कैसे और काम कैसे करता है। तो दोस्तों जो चोपर होता है उसकी एक हाई साइड होती है और एक लो साइड होती है, जैसे कि ये देखें आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने ऑलरेडी इस पर लिख दिया है, ये इसकी हाई साइड है और ये इसकी लो साइड है, ठीक है, जहाँ पे इस पर हाई डीसी वोल्टेज आते हैं और इस पर लो डीसी वोल्टेज आपको वसूल होते हैं, ठीक है। अब ये जो है देखें, मैं सिंपली आपको इसको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि ये हाई साइड, देखें ये एच साइड है, ठीक है, तो मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा इसको, ठीक है। ये देखें ये मीटर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, इसके दो पॉइंट्स, ठीक है, ये देखें यहाँ पे कंटिन्यूटी और कुछ ओम्स आपको नज़र आने चाहिए, जी ए जी 5.5 ओम्स आ रहे हैं, ठीक है, देखें इसके ये तीन पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो जब मैं इसको एक पॉइंट के साथ टच करता हूँ तो ये आपको कुछ ओम्स दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो थर्ड है इसके साथ जब मैं टच करता हूँ तो यहाँ पे देखें किसी किस्म की कोई कंटिन्यूटी, कोई किसी किस्म की कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका ये पॉइंट हाई वोल्टेज आने की वजह से जल गया है, ठीक है। दोस्तों देखें ये इसकी जो इंसुलेशन है, देखें तो कुछ पॉइंट्स पे गर्म हो के तो जल गई है, ठीक है, जब इसको आप देखें मैग्नीफाइंग से देखें तो फिर भी इसका आपको नज़र आ रहा होता है, ठीक है। अब हम इसको खोलने का आपको तरीका बताएंगे। दोस्तों चोपर को खोलने के दो तरीके हैं और दोनों तरीके हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि जब आपने चोपर खोलना है तो उसका रिवाइंडिंग का जो सारा दारोमदार है उसके खोलने पर है, क्योंकि आप जिस कमाल से उसको खोलेंगे तो उसी कमाल से आप उसकी रिवाइंडिंग अच्छे से कर सकेंगे। और चोपर के ऊपर जो है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसके ऊपर लेयर्स की सूरत में जो है वाइंडिंग की गई होती है। अगर
एक भी लेयर इसमें गलत हो जाएगी तो ये चॉपर आपके किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि तमाम लेयर्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल होती हैं। तो जब आपने ये चॉपर खोलना है तो बहुत एहतियात से और बहुत ही तरीके के साथ, वो तरीका भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन मेरा सिर्फ आपको इस जगह पे ये इन्फॉर्मेशन देने का ये मकसद है ताकि आप जब काम करें तो एहतियात के साथ करें। तो चलते हैं, आपको हम दिखाते हैं कि आप इसको कैसे खोल सकते हैं। आपके पास देखें पहले से सामान रेडी होना चाहिए, ठीक है। दो प्लायर, जो चॉपर आपने गर्म करना है, और देखें मेरे पास, अगर आपके पास हॉट गन है तो हॉट गन भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर हॉट गन, ये देखें सोल्डरिंग स्टेशन है जिसमें कि मेरे पास हॉट एयर मौजूद है, ठीक है, तो इसके ज़रिए मैं ये काम करूँगा। तो ये देखें, इसको हम इवनली इसको सबको गर्म करेंगे, ठीक है, पहले ऊपर वाले को फिर नीचे वाले को, क्योंकि ये देखें दो पार्ट्स में होता है ये, ठीक है। तो अभी हम इसको बारी बारी उतार देंगे, और इसको गर्म करते हुए आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि ओवर हीट ना हो, क्योंकि ये जो सारा चॉपर होता है तकरीबन प्लास्टिक से बना होता है, तो अगर आपने इसको ओवर हीट कर दिया तो ये आपके लिए मसला हो सकता है। तो इसलिए तकरीबन 220 डिग्री तक इसको लेके जाएं, इससे ज़्यादा इसको गर्म ना करें। तो ये आसानी से देखें, जब आप 220 डिग्री तक इसको गर्म कर लेंगे तो देखें आराम से ये आप फेरेट कोड को निकाल लेंगे, और अब देखें हमने जैसे निकाल ली, इसी तरह आप दूसरी साइड को पेचकस से निकाल लें और देखें, तो आसानी से ये सारा काम हो जाएगा। और अब जो दूसरा तरीका है वो है जी, चॉपर को आप पानी में बॉयल कर लें, तो तकरीबन इसको पानी में इस तरह डिप कर दें कि ये बिल्कुल पैन के साथ अटैच ना हो और पैन से ऊपर हवा में रहे, और फिर आप जो है इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक गर्म कर लें। गर्म करने के बाद आप आसानी से इसको खोल सकेंगे और आपको ज़रा सी भी इसके लिए दिक्कत नहीं होगी। और आप देखें, इसको हमने गर्म कर लिया है, तकरीबन 15 से 20 मिनट तक गर्म किया है। अब हम इसको खोल लेंगे सारा कुछ वापस, और अब हम इसको निकाल लेंगे। देखें गर्म है इसलिए देखें ग्लव्स का इस्तेमाल करें। हमने आसानी से देखें, देखें फेरिकोड बाहर आ गई है। अब दूसरी साइड भी हम निकाल लेंगे इसको, हम किसी पतली चीज़ के साथ ताकि उसको प्रेस करें तो आराम से वो बाहर आ जाएगी। आप भी देख रहे हैं जैसे कि आपके सामने सारा ये काम हो रहा है, देखें वो पानी में चले गए। तो खैर कोई बात नहीं, हम उसको निकाल लेते हैं, और देखें अभी हम इसको पानी में से निकाल लेंगे। पानी गर्म है तो इसके लिए हम ट्वीज़र पकड़ लेंगे, ट्वीज़र के साथ इसको पकड़ेंगे। देखें जी, ये देखें हमने अब इसको बाहर निकाल लिया, तो देखें कितनी आसानी से हमने इसको खोल लिया। तो इसी तरह से आप भी बहुत आसानी के साथ इसको गर्म करके, अगर आपके पास हॉट गन और हॉट स्टेशन नहीं है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो आपने देख ली, तो इस वीडियो के जो हैं वो तीन पार्ट होंगे। तो अगर आप जो है वो चॉपर को रिवाइंड करना सीखना चाहते हैं तो तमाम पार्ट्स को देखिएगा ताकि आप जो चॉपर है उसको रिवाइंड करना सीख जाएं। तो उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो मिलते हैं इसके अगले दो पार्ट्स में, तो देखते रहें फॉरएवर टेक।